तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव, और आज को दोस्तों आपके लिए एक वीडियो और एक बेहतरीन वीडियो लेकर और एक एक जानकारी लेकर। तो दोस्तों यह जानकारी या वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है? क्योंकि दोस्तों आपका अगस्त सितंबर या अक्टूबर से फिर से आचार संहिता लगने वाली। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यूके पीएससी का, जो कि 17 की इन्होंने कहा था कि हम 15 जून से पहले रिजल्ट, या 17 जून को जो कि रिजल्ट दे देंगे। बाकी इन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। आज आपका जो कि 3 जुलाई हो चुका है, अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार जीआई का विज्ञापन आपका वर्ष 2021 को आया था, लेकिन पेपर लीक हुआ, फिर 2023 से वर्तमान 4 वर्ष होने को हुए, परंतु आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। इन 4 सालों के बीच आपके 2 चुनाव विधानसभा 2022 लोकसभा का भी पूरा हो चुका है, परंतु हर एक छात्र को उसी आज भी इंतजार है रिजल्ट का। चुनावी प्रक्रिया उसका परिणाम तय सीमा पर जारी होते हुए भी, परंतु उत्तराखंड में भर्तियां जो कि नेताओं के 5 वर्षीय कार्यकाल की तरह चलती है। तो देखिए आपका, आखिर कौन सुनेगा उन सभी अभ्यर्थियों का दर्द जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का। सही बात है आयोग की, वो तारीख पे तारीख दे रहा है। तो देखिए, पता होगा आपको, तारीख पे तारीख दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तराखंड में युवाओं भर्ती निकालने, पदों को जुड़वाने से लेकर रिजल्ट तक खुद ही संघर्ष आपका पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, काफ़ी भावुक पोस्ट है जो कि विशेषकर जेई के अभ्यर्थियों को, तो देख सकते हो आप ये लोक सेवा आयोग द्वारा हमारा। बाकी ये देखिए, हमारे फिर से ये संघर्ष करेंगे, ये फिर से रैलियां होगी। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, हम बात करते हैं आपका उत्तराखंड पुलिस भर्ती की। 2022 में इन्होंने आयु सीमा भी 18 से 28 नहीं की। आप देखिए, 2024 में भर्ती लाएंगे, लेकिन 2024 भी जाने वाला है। अनाउंस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2023 के जुलाई में किया था कि आपकी पुलिस भर्ती आएगी। आज आपका 2024 जुलाई हो चुका है, लेकिन आपकी अभी तक पुलिस भर्ती भी नहीं आई है। बात उन छात्रों की भी बात करते जो वेटिंग का वेट कर रहे हैं, ना पटवारी वेटिंग दे रहे हैं, ना पुलिस कॉन्स्टेबल की वेटिंग दे रहे। अगर आपको एकल संवर्ग में अगर आपको वेटिंग नहीं देना है, तो आप, हम ये कहते हैं कि आप उन पदों को नहीं भर्ती, उन पदों के लिए निकालिए। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करना चाहता है, जैसे पटवारी हो गया, आपका कनिष्ठ आयोग हो गया, इसमें आपके कई विभाग होते हैं, वीडियो हो गया, अगर कोई बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनका भी आप साइड में बायोडाटा दो और उसके लिए फिर से भर्ती निकालें। और पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती आपने अभी तक नहीं दी है, जेई का रिजल्ट आपने अभी तक नहीं दिया है। तो दोस्तों, फिर से आपकी जो कि पंचायत चुनावों की आचार संहिता लगने वाली है। तो दोस्तों, काफ़ी इंतजार आप खैर करना पड़ता है। अब बात करते हैं कनिष्ठ आय की। कनिष्ठ आय के इन्होंने पिछले साल जो रावत जी बनाए गए थे, कनिष्ठ आय की बात की जाए तो पिछले जून जुलाई अगस्त सितंबर से इन्होंने घोषणा की थी। पहले इसमें कितने पद थे? 500 पद। अब घट गए हो पद, आपके 209 हो चुके। अब कहाँ जाते हैं ये पद? क्यों उत्तराखंड के छात्रों के साथ यह छलावा हुआ है? इसी दिन के लिए उत्तराखंड के जो कि हमारे पूर्वजों ने ये उत्तराखंड बनाया था कि हमारे बच्चों को ये दिन देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ बिना संघर्ष का कोई काम नहीं चलता है। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, तब तक भर्ती नहीं आएगी। भर्ती आएगी तो रिजल्ट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा तो ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग भी मिलेगी तो जो पद खाली रह जाते हैं उनके वेटिंग के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। ये उत्तराखंड हमने संघर्ष से बनाया, लेकिन अभी तक यहाँ का छात्र भी संघर्ष कर रहा है। तो दोस्तों, जल्द तैयार रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस साल अगर पुलिस भर्ती नहीं ला सके, 2026 से पहले आपकी पुलिस भर्ती नहीं आएगी। क्योंकि सरकारें भी चाहते हैं कि वह चुनाव के लिए कुछ लॉलीपॉप बच्चों को दे। अगर आप इस साल अगर पुलिस संघर्ष के लिए नहीं करते हो, ना कनिष्ठ आय आएगी ना इनका। क्योंकि दोस्तों, 4 जून को आपकी आचार संहिता हो गई है, अभी तक ना UK SSC कहाँ सोया हुआ है, एक भी भर्ती विज्ञापन UK SSC ने जारी नहीं किया है। UK PSC ने बात की जाए तो 2 विज्ञापन जारी हो चुके हैं, लेकिन UK SSC क्या कर रहा है, एक विज्ञापन भी इसने जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि दोस्तों तैयार रहिए आप बड़ी रैली के लिए, क्योंकि अगर हम
हम जब तक उत्तराखंड में रेल यानी होती है, न पद आते, न भर्ती आती, न रिजल्ट होता है, न पेपर पेपर को पेपर यहाँ पेपर लीक कराते हैं, यहाँ के आयोग पेपर लीक कराने में मास्टरमाइंड है लेकिन भर्ती देने में पीछे हैं। तो दोस्तों ये थी जो छोटी जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।